तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। आपका स्वागत है हमारे चैनल मेक इट इजी #TOC पे। हम लोग बात कर रहे थे अपने सीरीज ऑफ वीडियो कंटिन्यू करते हैं, तो इस वीडियो सीरीज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक नया टॉपिक हम लोग देखने वाले ग्रामर की दुनिया में हम लोग खेल खेलेंगे। पूरा जो गेम होगा इस बार ग्रामर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। वैसे मैं एकदम स्टार्टिंग में भी ग्रामर का एक वीडियो बनाया हूं एकदम बेसिक पे, तो अगर आप सबसे पहले यहां से स्टार्ट करें ग्रामर को, तो एक बार जरूर वहां पे जाके देखिए, आपको एकदम चीजें एकदम अच्छे से बहुत अच्छे से यहां समझ में आएंगी। यहां पे भी मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो वहां पे बताया हूं, लेकिन आप उसको अगर देख लेंगे तो एकदम ही बेसिक से आप आएंगे, तो आपको बहुत बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। सीधा आपको यहां पे जो भी चीज मैं बता रहा हूं एक बार में आप कैच करने लगेंगे। तो यहां पे आई बटन दिख रहा होगा, तो वहां पे जाके आप दबा के उस जगह पे जाके इस वीडियो को एक बार देख लेंगे, तो आपको यहां से स्टार्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहां पे मैं चॉम्स्की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने वाला हूं। उस वीडियो के पहले आप एक बार ग्रामर को एक बार जरूर देख लीजिए, वाले वीडियो में मैं बहुत अच्छे से बताया हूं, वहां से हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं चॉम्स्की क्लासिफिकेशन भी वहां पे बताया हूं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। वहां पे मैं याद रखने का कुछ कुछ तरीका बताया था, तो वहां पे उसको आप एक बार देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूं चॉम्स्की क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर। इस बार हम लोग थोड़ा यूनिवर्सिटी बेस्ड जाएंगे, इस बार हम लोग थोड़ा चीजों को थ्योरिटिकली ज्यादा देखेंगे, ठीक है। हम लोग को क्योंकि एग्जाम में लिखना है, थ्योरी पेपर में लिखना है, तो वो चीज हम लोग को यहाँ पे मदद करेगी। मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि चॉम्स्की क्लासिफिकेशन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो आपको थ्योरेटिकली इसको लिखना पड़ेगा, अच्छे से एग्जांपल देना पड़ेगा, और आपका एक दो पेज का जब तक लेंथ का आंसर नहीं बन जाता तब तक काम आपका नहीं बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने चॉम्स्की क्लासिफिकेशन से। तो सबसे पहले हम लोग का टाइप जीरो ग्रामर। तो हम लोग जानते हैं ग्रामर क्या होता है, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को जनरेट करने वाला, किसी भी लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने वाला कौन होता है, हम लोग का ग्रामर होता है, ठीक है। वो सब हम लोग देखे हैं, प्रोडक्शन रूल क्या होता है, वो सब वीडियो में एक बार आप जाके जरूर देख लेना प्रोडक्शन रूल क्या होता है, ठीक है। स्टार्ट स्टेट, हम लोग टर्मिनल नॉन टर्मिनल, ये सब से एकदम आप वहां पे परिचित हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं सीधे टाइप जीरो ग्रामर से। ग्रामर जो होती है हम लोग की, चॉम्स्की बाबा जो थे हमारे, वो हम लोग के ग्रामर को चार टाइप में डिवाइड कर दिए। वो बोले भैया कि पहला जो टाइप है वो टाइप जीरो है, दूसरा जो है वो टाइप वन है, तीसरा जो है टाइप टू, और चौथा जो है टाइप फोर है। सबसे पहले बात करते हैं टाइप जीरो ग्रामर की। तो यहाँ पे लिखा है इट इज कॉल्ड अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर और फेज स्ट्रक्चर्ड ग्रामर बोला जाता है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी नहीं लगी है, जैसा है कोई भी वहां पे रूल्स नहीं है। इसका मतलब अगर मैं ऐसा कुछ भी लिखा हूं, एस से कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ भी लेफ्ट साइड कुछ भी लिखा है, राइट साइड कुछ भी लिखा है, तो वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, टाइप जीरो ग्रामर होगा। हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी टाइप्स के ग्रामर होते हैं वो क्या होता है, टाइप जीरो ग्रामर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, द प्रोडक्शन और आर ऑफ द फॉर्म अल्फा से बीटा। तो जैसे कि बताया यहां पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे कुछ, अल्फा ये वाला पार्ट हो गया, बीटा राइट साइड वाला पार्ट हो गया। तो अल्फा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बोलने का मतलब या तो वो क्या होगा वी, या तो होगा वो टी, मतलब नॉन टर्मिनल, या फिर टर्मिनल का अगर मैं क्या ले सकता हूं, वहां पे पॉजिटिव क्लोजर लूंगा। पॉजिटिव क्लोजर क्यों ले रहा हूं भाई, यहां पे मैं क्लीन क्लोजर क्यों नहीं ले रहा हूं, तो बात इतनी सी है कि यहां पे एप्सिलॉन नहीं आ सकता। एप्सिलॉन क्या किसी को प्रोड्यूस कर पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अल्फा पार्ट को हम लोग यहां पे क्या किए, एप्सिलॉन को छोड़ के बाकी जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो चीज यहां पे आएगा अल्फा पार्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बीटा पार्ट में हमारा भैया कुछ भी आ सकता है, वी यूनियन टी का हम लोग क्या कर रहे हैं वहां पे क्लीन क्लोजर कर रहे हैं। इसका मतलब वहां पे जो भी पॉसिबिलिटीज है हमारे नॉन टर्मिनल्स और टर्मिनल्स का, जो भी ग्रुप्स है, जो भी जैसा भी हम लोग यहां पे प्रोडक्शन लिखे वो क्या है, यहां पे वैलिड है, ठीक है। बस एक ही चीज ध्यान रखना है, एप्सिलॉन कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बाकी जो भी है हम लोग का प्रोडक्शन जो हो रहा है बीटा पार्ट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे यहां पे क्या लिखा है, ऑल ग्रामर्स आर ऑफ द टाइप टाइप जीरो। जैसे मैं बताया आपको, लैंग्वेज जनरेटेड बाय टाइप जीरो ग्रामर आर कॉल्ड रिकर्सिव इन्यूमरेटेड लैंग्वेज। इसको रिकर्सिव इन्यूमरेटेड लैंग्वेज बोला जाता है, हम लोग इसको अच्छे से जानेंगे क्या है रिकर्सिव इन्यूमरेटेड लैंग्वेज। इसका मतलब कुल मिलाकर हम लोग गोल गोल घूम के वापस से हम लोग जो भी जहां से स्टार्टिंग किए थे वहां पे हम लोग पहुंच सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज लिखा है, ट्यूरिंग मशीन इज द एक्सेप्टर ऑफ टाइप जीरो लैंग्वेज। तो हमारे पास यहाँ पे जो मशीन जो इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है, जो इस ग्रामर को एक्सेप्ट करती है, वो क्या है हम लोग की ट्यूरिंग मशीन। जैसे हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं रिकर्सिव इन्यूमरेटेड लैंग्वेज है, तो हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं ये रिकर्सिव इन्यूमरेटेड ग्रामर है जो कि इसको प्रोड्यूस कर रहा है रिकर्सिव इन्यूमरेटेड लैंग्वेज को, जो कि लगातार बार बार हम लोग घूम के क्या कर सकते हैं, वही स्टेट में पहुंच सकते हैं जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे। अच्छा, इसको थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। टाइप
जीरो ग्रामर जो है यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा ऐसा समझते हैं ताकि हम लोग को याद आए टाइप वन टाइप टू। तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं टाइप जीरो ग्रामर क्या है, एक बच्चा है ठीक है, स्कूल का बच्चा है ठीक है, जो कि आप शायद डोरेमोन वगैरह शायद देखे होंगे, तो उसमें नोबिता ठीक है जो कि हमेशा क्या लाता है, जीरो मार्क्स लाता है ठीक है। तो ये टाइप जीरो ग्रामर को हम लोग कुछ ऐसा समझ सकते हैं, इसके ऊपर क्या है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, भले उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है लेकिन उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा दबाव नहीं बना रहा है। वो क्या है, ऐसा बच्चा है जिसके ऊपर मतलब मोह माया से दूर है ठीक है, दुनिया की मोह माया से दूर है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए उसके बार बार लगातार टेस्ट में जीरो आ रहे हैं ठीक है। उसको कोई फोर्स नहीं कर रहा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा, कोई रूल्स नहीं है उसके ऊपर, तो वो जो मन में आ रहा है उसके वो काम कर रहा है ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, टाइप जीरो लैंग्वेज है हम लोग, टाइप जीरो ग्रामर है इसको हम लोग बोले। आगे जब हम लोग टाइप वन में जाएंगे तो वहां पे क्या है, वो एक ऐसा बच्चा रहेगा, वहां पे मैं बताऊंगा ठीक है। अभी उसको बताते हैं हम लोग, पहले ये सब थ्योरी आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, कोई भी कैसा भी एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख सकते हैं, वो क्या होगा टाइप जीरो ग्रामर जरूर होगा ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को, टाइप वन ग्रामर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। क्या है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। तो जैसा कि मैं बता रहा था, इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा बच्चा है क्लास का जो हमेशा टॉप करता है, फर्स्ट आता है, तो उसके दिमाग में हमेशा क्या चलेगा कि उसको फर्स्ट आना है, मतलब वो क्या रहेगा हमेशा सोचते ही रहेगा कि अगर मैं नहीं पढ़ाई किया, थोड़ा अगर पीछे रह गया तो हम लोग को क्या होगा, मतलब कुल मिला के बोलने का मतलब ये है कि ये क्या है, थोड़ा सेंसिटिव है ठीक है, टॉपर लोग की टेंडेंसी भी होती है ऐसी ठीक है। तो इट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, द प्रोडक्शन आर ऑफ द फॉर्म अल्फा से बीटा बनेगा। और यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लग गया है, क्या रिस्ट्रिक्शन लग गया, वेयर अल्फा का जो वैल्यू है, अल्फा का जो मॉडुलस है ठीक है, अल्फा पार्ट जो होगा वो हमेशा लेस होगा बीटा वाले पार्ट से। इसका बोलने का मतलब ये है कि हमेशा अगर मैं यहाँ पे लिखूं एस से बनता है कुछ भी ए ए ठीक है, अगर मैं ऐसा यहाँ पे लिखा एस बी बी, अगर ऐसा कुछ लिख दिया तो यहाँ पे क्या है, अल्फा पार्ट मेरा बड़ा हो गया है बीटा पार्ट से, तो ये बिल्कुल टाइप वन ग्रामर नहीं है। हम लोग को क्या रखना है यहाँ पे, ध्यान यही रखना है कि जो अल्फा पार्ट होगा वो ऑलवेज लेस देन बीटा पार्ट होगा, मतलब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, अगर एक एक मैं यहाँ पे टपल लिखाऊं, एक प्रोडक्शन लिखाऊं, तो ये हम लोग का अल्फा जो पार्ट है, बोलने का मतलब ये है कि अल्फा जो पार्ट है हमेशा लेस होगा राइट साइड वाले पार्ट से, बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। वही चीज लिखा है, अल्फा कुछ भी हो सकता है, वी यूनियन टी का पॉजिटिव क्लोजर, और बीटा क्या हो सकता है, वी यूनियन टी का क्लीन क्लोजर। इसके बाद आते हैं, ऑल द टाइप वन ग्रामर आर ऑफ द टाइप जीरो, हर टाइप वन ग्रामर टाइप जीरो होता है ठीक है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कि हर हम लोग ये चीज डिस्कशन किए थे, आगे मैं बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। हर टाइप जीरो, टाइप वन ग्रामर टाइप जीरो होगा, टाइप टू में जाएंगे तो वो क्या होगा, टाइप जीरो भी होगा, टाइप वन भी होगा, और टाइप टू खुद तो होगा ही। टाइप थ्री में जाएंगे तो जीरो भी होगा, वन भी होगा, टू भी होगा, और थ्री तो कुछ होगा ही ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज जनरेटेड CSG is context sensitive language। तो अगर ये context sensitive grammar है तो ये produce भी क्या करेगा, context sensitive language। उसके बाद फिर जो machine इसको accept करेगी, इस language को, इस grammar को, वो क्या हम लोग का linear bounded automata है। इस linear bounded automata पे अभी research चल रहा है एकदम अच्छे से, इसको इसके ऊपर research अभी पूरी खत्म नहीं हुई है, research field में अभी भी ये process में जारी है। Example यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ले लिया हूँ, A का power n, B का power n, C का power n, हम लोग देखेंगे ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो इसके बारे में रिसर्च अभी चल रहा है, इसको हम लोग बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं किए, इसलिए हम लोग इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जो हम लोग ज्यादा चर्चा करेंगे वो टाइप टू और टाइप थ्री पे ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरी लिखने के लिए सफिशियंट हो गए हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप टू ग्रामर, कंटिन्यू करते हैं, टाइप टू ग्रामर देखने वाले हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, द प्रोडक्शन आर ऑफ द फॉर्म अल्फा से, इसके पहले हम लोग फिर से यहाँ पे मजा नहीं आया हमको, कंटिन्यू करते हैं, टाइप टू ग्रामर देख रहे थे हम लोग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारी क्लास का एक ऐसा बच्चा है जो कि हमेशा क्या होता है, सेकंड आता है ठीक है। वो अपने आप को क्या करता है, हमेशा पुश करने की कोशिश करता है, तो पुश करने की कोशिश करता है, इसलिए ऐसी यहाँ पे जो मशीन इसको एक्सेप्ट करेगा वो क्या है, पुश डाउन ऑटोमेटा है। आप ऐसा याद रख सकते हैं, बहुत बकवास एग्जाम्पल है लेकिन ठीक है, थोड़ा सा बकवास करना पड़ता है ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, द प्रोडक्शन आर ऑफ द फॉर्म, इसमें जो प्रोडक्शन होंगे वो कैसे हैं, ए से लेके अल्फा बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वेयर ए बिलोंग्स टू वी, वी का मतलब क्या होता है हम लोग का, वी का मतलब होता है नॉन टर्मिनल्स, नॉन टर्मिनल होता है ना, भूल गया,
तो कंटिन्यू करते हैं टाइप टू ग्रामर के बारे में देखने वाले। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि हमारी क्लास का एक ऐसा बच्चा है जो कि हमेशा सेकंड आता है, लेकिन अगर वो कोशिश करे, अपने आप को पुश करे थोड़ा, तो वो क्या आ सकता है, फर्स्ट भी आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो मशीन इस ग्रामर को एक्सेप्ट करती है वो क्या है, पुश डाउन ऑटोमेटा है। बहुत ही बकवास एग्जाम्पल था, ठीक है, कभी कभी बकवास करना भी क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है, एकदम बस पढ़ाई पढ़ाई, ठीक है, बकवास। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द प्रोडक्शन आर ऑफ द फॉर्म ए से लेके अल्फा, यहाँ पे एक और रिस्ट्रिक्शन आ गया है। यहाँ पे अगर मैं बोलूं हमारा जो प्रोडक्शन है ए से लेके अल्फा, तो ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ये क्या होगा, हमेशा नॉन टर्मिनल होगा। नॉन टर्मिनल बोलने का मतलब क्या, हमेशा कैपिटल लेटर्स वाले होंगे, ठीक है। अल्फा अल्फा जो राइट साइड वाला पार्ट है ये क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नॉन टर्मिनल होगा, टर्मिनल होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे क्या आ गया, हम लोग का रिस्ट्रिक्शन आ गया, मतलब कुछ इस तरीके का होगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में। और साथ ही साथ हम जानते हैं ये जो ग्रामर होगा टाइप टू ग्रामर, ये टाइप वन तो होगा ही और टाइप जीरो भी होगा, ठीक है। इसका मतलब हमारे टाइप वन वाले भी यहां पे रिस्ट्रिक्शन होंगे, क्या कि लेफ्ट साइड सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे, हमारे लेस होंगे, जितना भी पार्ट होगा हमारे लेफ्ट साइड का वो कम होगा राइट साइड वाले के कंपैरिजन में। तो ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एस से यहाँ पे कोई कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है ए ए, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला जो पार्ट है मेरा ये क्या है, मेरा नॉन टर्मिनल है, और यहाँ पे जो मेरा पार्ट है ये क्या है, हम लोग का टर्मिनल पार्ट है, ठीक है। और टर्मिनल भी हो सकता है, नॉन टर्मिनल भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला हम लोग देख लिए लैंग्वेज जनरेटेड बाय जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। जैसे कि बताया ये क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री होता है, मतलब इसको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता उस बच्चे को कि उसको कि एकदम बहुत ज्यादा पढ़ना है, जितना फर्स्ट वाले को होता है, फर्स्ट वाले के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। यहाँ पे ये क्या रहता है, फ्री रहता है थोड़ा, ठीक है। अगर वो बहुत ज्यादा पुश नहीं भी किया तो सेकंड आने ही वाला है। तो ये यहाँ पे बोलने मतलब है, थोड़ा बकवास था एग्जाम्पल, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एग्जाम्पल है ए की पावर एन बी की पावर एन, ठीक है, जहाँ पे एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, ये क्या हम लोग का कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। अब देखते हैं हम लोग टाइप थ्री ग्रामर, कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को। टाइप थ्री ग्रामर के बारे में हम लोग देखने वाले। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेगुलर ग्रामर भी बोला जाता है। तो हम लोग बहुत डिस्कशन कर चुके हैं रेगुलर लैंग्वेज के ऊपर। अगर हम लोग जानते हैं कि कोई लैंग्वेज रेगुलर कब होगी, जब कोई ग्रामर होगा उसको जनरेट करने वाला, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो उसके लिए हम लोग क्या बना सकते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा इज द एक्सेप्टर ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, ये चीज हम लोग बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में अभी तक के देखते आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग रेगुलर ग्रामर बोलते हैं क्योंकि ये रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करता है। अरेगुलर ग्रामर के नाइदर भी लेफ्ट लीनियर भी हो सकता है, राइट लीनियर भी हो सकता है। अभी हम लोग इस पे बहुत चर्चा करेंगे, बहुत डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ऑल टाइप थ्री ग्रामर आर ऑफ टाइप टू, टाइप वन, टाइप जीरो, जैसे मैं बता चुका हूं। उसके बाद क्या है, लैंग्वेज जनरेटेड बाय रेगुलर ग्रामर आर कॉल्ड, यहां पे लिखा है रेगुलर लैंग्वेज, जो कि हम लोग जान चुके हैं, बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। यहां पे कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, हम लोग बहुत एग्जांपल इसमें देख चुके पहले। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं, इससे ज्यादा इसको नहीं खींचता। अगले वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रामर का एक कंप्लीट पैकेज बनाएंगे, जहां पे हम लोग हर एक चीज देख लेंगे एक ही वीडियो के अंदर। हम लोग देखेंगे कि पूरा ग्रामर का कंसेप्ट, साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे। तो जितना भी हमारा एक ग्रामर का पैकेज है, आपको इधर उधर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे एक ही पैकेज में, एक ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा ग्रामर कवर हो जाएगा। ये मैं यहां तक के बेसिक बता दिया ग्रामर का। अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ग्रामर वाले पोर्शन को, और एक ही वीडियो में हम लोग पूरा ग्रामर हम लोग क्या करने वाले, पूरा खत्म करने वाले। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।